हेलो हाय गाइज, मैं योर न्यू ईयर फुलफिल ऑफ न्यू एंड योर लाइफ ग्रो। कहाँ है मारा रे? क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? तो और के केल आर्मी क्या चल रहा है? तो नया साल आ गया और भैया उसके साथ ना बहुत सारे चुतियापे भी आ गए। एमसी स्टैन ने डाला एमवे बंटाई के ऊपर डिस, जिसमें उन्होंने एमवे बंटाई के समझ में आया क्या का रिप्लाई दिया है। वैसे भाई बहुत जल्दी ला दिया डिस, नहीं मतलब हम तो सोच रहे थे कि भैया 2021 तक एमसी स्टैन एमवे का रिप्लाई नहीं देगा। खैर जो भी हो, तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के लेटेस्ट गाने खुजा मत के बारे में। तो चलो आओ ना यार, अब बिना किसी लौड़ा लहसुन के ना लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे भाई कोई आरती की थाली ले आओ, जादू का भाई। जाने पर भैया आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि इतनी ठाकड़ बॉडी दिखा के आपको कहां की लड़कियों को घायल करना है? मतलब हालत देख रहे हो भाई की, भाई साहब की हालत ऐसी हो रखी है कि भैया भाई को एक साथ दो बार कुपोषित की बीमारी हो गई होगी। वहां पे जाने की बात कौन कर रहा है जो खुद अपने गाने में बोल रहा है कि खा मेरा गु अंधेरी मांगी। अब तुम लोग में से कुछ एमसी स्टैन के फैन आएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि अबे चूतिए, एमवे ने सबसे पहले माँ को बीच में लाया था, एमसी स्टैन ने नहीं। तो भैया सुनो, एमवे ने अपने गाने में ये बोला था, मुर्गी का टंगड़ा मम्मा, मम्मा का जादू भी एक काम कर, आके मेरा मुंह पी, जो शायद एज अ डायलॉग एक पारिवारिक पिक्चर में भी यूज किया गया है। लगता तो मैंने माँ का दूध नहीं पिया, अगली बार पी के आना, जम के मुकाबला होएगा। तो भैया मेरे हिसाब से तो एमसी स्टैन को इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए। भाई पर ये बात आपको अपनी मम्मी को बोलने की जरूरत है कि वो रोज 3 बाल्टी आपको बोनविटा पिलाए, और अगर उससे भी काम नहीं बन रहा है ना तो भाई मुझसे कांटेक्ट करो, मैं लौड़ा लहसुन का पाउडर भेज दूंगा, उससे थोड़ी शरीर में जान आ जाएगी आपके। नहीं मतलब कतई इतनी खत्म हो रखी है ना भाई की बॉडी की, अगर भाई जोर से हवा चल जाए ना तो ये बंदा 2 से 3 किलोमीटर दूर फेंका जाना है, मैं सच बता। अब यार मुझे यहाँ ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि भैया सारे रैपर एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई तुमको हिप हॉप नहीं आता, तो भैया मुझे कोई ये बताओ असली हिप हॉप किसको आता है? ओम प्रकाश मिश्रा को। और यार इस बंदे को क्या बोलूं यार अब मैं, नहीं मतलब मैंने तो कुछ रोस्ट नहीं किया यार, असली तो तुम लोग ने रोस्ट कर दिया इसको इसके वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। भाई खाना खा ले वरना चक्कर आ जाएगा, भाई ऐसे बाहर मत निकलना कुत्ते गान मार देंगे। और यार मैं जानता हूँ तुम लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया इस वीडियो ने इतने कम समय पे इतने सारे व्यू कैसे छाप लिए, तो भैया मैं बता दूं इसके पीछे 2 बड़े बड़े रीजन है, और वो 2 बड़े बड़े रीजन है
बस बस यही दो रीजन है भैया जिसके कारण ये वीडियो इतने सारे व्यूज छाप रहे हैं। नहीं मतलब मैं सच बता रहा हूँ यार, बहुत से लोगों ने सिर्फ इसी बंदी को देखने के लिए इस वीडियो को 3 से 4 बार देखा होगा, भले उनको गाना समझ आए या ना आए। तो बस यार आज का लेसन यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, एम करते हैं 11,500 लाइक के। 11,500 लाइक भाई कंप्लीट कर दो और कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी वीडियो। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बाजू में जो घंटा है उसको भी दबाओ। और अरे हमारा सेकंड चैनल कल का गेमर को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ, तो आओ यार उसको भी सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो यार मिलता हूँ मेरे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा।